डांड़ कहते हैं गांव में, तो डांड़ पे हम चल रहे हैं बैलेंस बना के। जो गांव के बच्चे हैं वो तो चल लेते हैं आसानी से, शहर वालों के लिए थोड़ी तकलीफ है। आई एम राजन दुबे एंड वेलकम टू माय वीडियो ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं खेत में, और भैया मेरे साथ में, मेरे साथ है रोहित। और चलो आपको दिखाते हैं सरसों का खेत, और हम लोग खोदेंगे थोड़ा सा आलू, और आपको दिखाते हैं हमारा खेत जो कि गांव में है। तो चलिए यहाँ पे हैं रास्ते में, और ये रास्ता जाता है हमारे खेत की तरफ जो कि आगे दिख रहा है आपको आसानी से। और ये स्टार्टिंग में ये हमारा सरसों का खेत, और काफ़ी अच्छा देख रहे हैं, जैसे कि इतना अच्छा पीला पीला पूरा खेत। और आगे की तरफ है गेहूँ, और उस तरफ भैया दिख रहे हैं थोड़े से, अभी चला हूँ उनके पास। और पूरा खेत हरा भरा, पूरा खेत ही खेत, और एकदम मौसम भी अच्छा है, ठंडा मौसम है, खेत भी अच्छा है। और आप देखिए पहले किस तरीके से उस तरफ और अच्छे से फील कर पाएंगे। उस तरफ पूरा सरसों है, और इस तरफ ये जो है गेहूँ है, अभी इसमें सिंचाई करना बाकी है। और इधर है आम के पेड़ हमारे, और उस तरफ है ईंख का खेत जहाँ पे गन्ना बोया गया है, और उधर अलसी बोया हमने जो कि घेरा बनाया है बांस से, जो कि कोई भी नील गाय वगैरह नुकसान न कर सके। और इधर है पूरा सरसों ही सरसों, और उस तरफ है आलू का खेत। तो चलते हैं वहाँ। और इस पर बैलेंस बना के मैं अपने आप में एक बड़ी बात होती है, डांड़ कहते हैं गांव में, तो डांड़ पे हम चल रहे हैं बैलेंस बना के। जो गांव के बच्चे हैं वो तो चल लेते हैं आसानी से, शहर वालों के लिए थोड़ी तकलीफ है। खेत में भैया वहाँ पे आ रहे हैं भैया भी, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है आलू निकालना, हम यहाँ से चालू किए हैं। और ये पूरा जो कॉर्नर में राइट साइड में आलू का खेत है, उधर सरसों है, बाकी सब सरसों, इधर गेहूँ। और बिजली का एक खम्भा भी हमारे खेत में से गया हुआ है, पुराना सिस्टम पे है, इसमें ओपन एरिया में तार रहता है खुला। बस भी आ गए हैं खेत में देखने के लिए कि आलू कैसा है, हुआ है कि सही से नहीं। और भैया पहले गवा उखाड़ रहे हैं, गवा मतलब जो आलू का पेड़ होता है उसे गवा कहते हैं, तो पहले उखाड़ लेते हैं तो फिर कूले से आलू निकालने में आसान होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कैसे आलू की बुवाई करते हैं, वो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे। भैया लग गए हैं खोद के निकालना, चालू कर दिए हैं आलू, और हमने इस बार जो है लाल वाला आलू की बुवाई की थी, और देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और फिर इसको अलाव में भून के हम भी खाएंगे, आलू दम भी बनेगा। और कैसा है आलू इस बार? तो कुछ आलू काफी छोटे भी हैं, मटर जैसा है, कुछ आलू अच्छे भी हैं, अच्छा भी लग रहा है देखने में। लाल वाला आलू, लाल गुलाल कहते हैं, लाल गुलाल निकाल रहे हैं आलू। तब तक मैंने इतना धनिया खेत में ही, आलू के खेत में ही पापा ने डाल दिया था धनिया का बीज, तो इतना धनिया मैंने उखाड़ लिया है। एक काम दे, आलू दम बनाते टाइम वहाँ पे गवा उखाड़ रहे हैं, आलू खोद रहे हैं, तब तक मैं निकाल लेता हूँ मूली खाने के लिए। और आलू में मूली बोया जाता है, आलू के मेड़ी पे जो बीच बीच में मेड़ी रहती है, तो एक मूली यहाँ पे है, काफी अच्छी और काफी फ्रेश मूली, ये रही मूली। तो एक ये है तो कई, लेकिन हमें जरूरत कम की है, एक ही खाना है। ठंडी ज़्यादा है तो मूली खाना बहुत। एक मूली हमने उखाड़ लिया है और लेके चलेंगे घर पे इसको। और आलू खोद ही लिया भैया ने, और धनिया की पत्ती, फिर चलेंगे घर। ये हो गया, अब चलते हैं घर पे। भैया ने आलू और गवा ले लिया है, महाराज का भजन बजते हुए। नीचे भी देखना है, नहीं तो गिर भी जाएंगे। इधर से चलते हुए मस्त जा रहे हैं घर। होप आपको वीडियो पसंद आया है, और अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।